संगीता मैम, पहला सवाल कौन सा? मेरा जोमेटो है, 58 पे 10,900 शेयर है। 58 पे 10,000-11,000 शेयर लेके बैठे हो आप, ये आइडिया किसने दिया था? सर मैं CNBC काफी समय से 2009 से मैं रेगुलर आपकी मतलब व्यूअर रही हूँ और बहुत सजेशन बहुत कुछ मिला। स्टॉप लॉस ट्रिगर करने के बाद फिर मैंने एक्युमुलेट किया इसको नीचे में 42 से एक्युमुलेट करते करते 58 पे फिर मैंने रखा। जब 76 को तोड़ा उसके बाद फिर मैं ये कि लेकिन अभी पी रेशियो 200 से ऊपर है इसका। तो सर 100 डे पे रखूं स्टॉप लॉस 191 पे या फिर 160 पे क्या करूं? भाई राजेश सर क्या करा जाए, बहुत बढ़िया मुनाफा हो रहा है, थोड़ा सा स्ट्रेच्ड वैल्यूएशंस मैम को नजर आ रहे हैं, रखे रहना है क्या, कोई स्टॉप लॉस के साथ बने रहूं या मुनाफा बांधूं, कैसे अप्रोच करूं अब जोमैटो को? 170 रुपए पर शेयर का गेन और 11,000 क्वांटिटी। पहले तो मैम को बधाई हो इतने अच्छे प्रॉफिट में बैठे रहने के लिए, और अगर ये कलकत्ता में होती तो मैं पार्टी लेने इनके घर जरूर पहुंच जाता जोमैटो से ही सही। हो सकता है वो कोलकाता में बैठी हो इसी डर से उन्होंने उदयपुर बोल दिया हो। अब ऐसा है कि पहली तिमाही के अगर आप चौथी तिमाही के अगर आप नतीजे देखेंगे तो जोमैटो जो फूड डिलीवरी बिजनेस है वहां पर फ्लैटिश था, ब्लिंकिट पे थोड़ी ग्रोथ देखने को मिली थी। आने वाले दिनों में कंपनी ने कहा है कि वो अपनी ग्रोथ को बरकरार रखेंगे और कुछ नई स्टोर्स खोलेंगे ब्लिंकिट के जो है, लेकिन मुझे लगता है जैसे मैडम को भी लगता है कि वैल्यूएशन स्ट्रेच्ड है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, 3 डिजिट पी के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। तो अगर ये पूरा नहीं भी बेचना चाहती है तो मैं तो यही कहूंगा कम से कम 25% जो क्वांटिटी है, क्योंकि क्वांटिटी भी बहुत बड़ी है इनकी, 25% क्वांटिटी अपनी बेच ले तो उससे क्या होगा कि इनके ऑलमोस्ट स्टॉक फ्री के हो जाएंगे और फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा और राइड कर सकती है, बट एक बार पार्शल प्रॉफिट बुकिंग करना उचित रहेगा। आप जो कंसर्न्स बात कर रहे हो बिल्कुल हैं, पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग, एटलीस्ट अपना इन्वेस्टेड कैपिटल इस समय बाहर निकाल लेना बेहतर, फ्री अप पैसे के साथ राइड करना चाहें तो करें।